हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय के तृतीय भाग 2 के अध्याय 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी पुस्तकों का खंडन के अभ्यास प्रश्नोत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 15 तक सॉरी 1 से लेकर 14 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय 15 के अभ्यास प्रश्नोत्तर के। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के क्या थे, विरोधी थे। कुछ पुरातन पंथी लोग यानी पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग स्त्री शिक्षा के क्या थे, विरोधी थे। तो द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का क्या किया है, समर्थन किया है। यानी लेखक ने ऐसे कौन कौन से तर्क देकर स्त्री शिक्षा के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया है, वो आपको बताना है। तो देखें, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के क्या थे, विरोधी थे। तो लेखक द्विवेदी जी के द्वारा अनेक तर्कों के द्वारा उनके विचारों को क्या किया गया है, खंडन किया गया है और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया है। अब वो देखे कौन कौन से तर्क या बातें थी वो समझे। पहला तर्क है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियां क्या करती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। जैसे कुछ उदाहरण की बात करें, सीता, शकुंतला, रुक्मणी आदि महिलाएं इसके क्या है, उदाहरण है। और वेदों और पुराणों में भी स्त्री शिक्षा के क्या मिलते हैं, प्रमाण या सबूत मिलते हैं। ये उन्होंने पहला तर्क दिया। दूसरा तर्क, प्राचीन युग में भी अनेक पदों की रचना भी किसने की है, स्त्रियों ने ही की है। इससे क्या उजागर होता है कि उस समय भी स्त्रियां क्या होती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। तीसरा इन्होंने क्या तर्क दिया कि यदि ग्रह कलह स्त्रियों की शिक्षा का ही परिणाम है तो मर्दों की शिक्षा पर भी क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। ग्रह कलह का मतलब है ग्रह के अंदर, घर के अंदर होने वाले झगड़े या किसी प्रकार का द्वेष, इसके पीछे अगर स्त्रियां ही जिम्मेदार है या स्त्रियों की शिक्षा ही जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से जो मर्द है उनके शिक्षा पर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, रिश्वत लेना हो गया, हत्या हो गया, जैसे दंडनीय अपराध भी ज्यादातर किसके द्वारा किए जाते हैं, मर्दों के द्वारा, और वो मर्दों की शिक्षा का ही क्या है, परिणाम है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर स्त्रियों को ही प्रत्येक चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो इन चीजों के लिए मर्दों को भी जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए और उनकी शिक्षा पर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो लेखक ने इन तर्कों के माध्यम से जो पुरातन पंथी लोग हैं उन पुरातन पंथी लोगों के प्रति स्त्री शिक्षा का क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक, आगे और कौन कौन से तर्क है वो देखें। अगला तर्क है कि जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, वे या तो इतिहास से क्या है, अनभिज्ञ, यानी कि वो इतिहास के बारे में नहीं जानते, या फिर समाज के लोगों को क्या दे रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं। अगला उन्होंने क्या तर्क दिया कि अगर ऐसा था भी कि पुराने जमानों की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी तो उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये समाज की उन्नति में क्या है, बाधक है। आगे लेखक क्या तर्क दे रहा है कि भाई हो सकता है कि पुराने समाज में स्त्रियों की शिक्षा पर क्या लगी हो, रोक लगी हो, लेकिन आज के समय में ऐसे नियम या ऐसे कानून या इस प्रकार की जो बंदिशें थी उनको तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समाज में जो स्त्रियों की शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है और समाज की उन्नति के लिए क्या है, जरूरी है। तो ये कुछ तर्क दिए गए हैं जो लेखक के द्वारा पुरातन पंथी लोगों के खिलाफ है और इन तर्कों के माध्यम से लेखक स्त्री शिक्षा का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। दिया गया है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। स्त्रियों को पढ़ाने से क्या होता है, अनर्थ होता है। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखी है। यानी कुछ जो कुतर्कवादी है जो बुरे बुरे तर्क देते हैं, हमेशा उल्टा ही बोलते हैं, वो कहते हैं कि स्त्री को पढ़ाने से क्या होता है, अनर्थ होता है। तो इसके खिलाफ लेखक ने कौन कौन से तर्क दिए हैं या किन दलीलों के माध्यम से इन बातों का खंडन किया है वो आपको अपने शब्दों में बताना है। तो देखें, द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन किया है। अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। लेखक क्या कहते हैं कि अगर सारे अनर्थ स्त्रियों के द्वारा ही होते हैं तो फिर इसमें पुरुष भी पीछे नहीं है, अतः पुरुषों के भी विद्यालय क्या कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए। ये उन्होंने पहला तर्क दिया। दूसरा तर्क क्या दिया लेखक ने कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना
उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी क्या थी, स्वाभाविकता थी। जैसे हम अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो शकुंतला को दुष्यंत को शकुंतला द्वारा दुष्यंत को कुवचन कहना या फिर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना, ये उनकी शिक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि ये तो स्थिति के अनुसार इंसान का क्या है, स्वभाव है। उस स्वाभाविकता के कारण इस प्रकार के हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। तीसरा तर्क उन्होंने क्या दिया, तीसरा तर्क उन्होंने व्यंग्यपूर्ण तर्क दिया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया व्यंग्य करके, कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। मतलब कि स्त्रियों के लिए क्या पढ़ना, काल घूंट है यानी कि बिल्कुल बुरा है, और पुरुषों के लिए वो पीयूष यानी अमृत का घूंट है। तो यानी वो कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए पढ़ाई अनर्थ है और पुरुषों के लिए अमृत है, ऐसा क्यों? तो ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का जो गौरव है वो क्या करना चाहते हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं। अपढ़ रखकर मतलब उन्हें पढ़ाकर वो भारत देश का गौरव है वो क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। यानी लेखक इन तर्कों के माध्यम से जो कुतर्कवादी है उन कुतर्कवादियों के बातों का खंडन करता है और स्त्री शिक्षा का भरपूर क्या करता है, समर्थन करने की कोशिश करता है। ठीक, ये आपका प्रश्न संख्या दूसरा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। दिया गया है कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कृतकों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है, जैसे यह सब पापी बढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छाट कर समझिए और लिखिए। यानी कि लेखक ने इस अध्याय में जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतक है उनका खंडन करने के लिए जगह जगह पर व्यंग्य का सहारा लिया है। तो अब अध्याय से ऐसे कुछ और व्यंग्य या कथनों को छांटिए और आपको लिख के बताना है। तो देखें, स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ और व्यंग्य जो द्विवेदी जी के द्वारा इस अध्याय में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। पहला, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। तो ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अभद्र रखकर भारत का क्या करना चाहते हैं, गौरव बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या व्यंग्य कसा है कि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही क्या होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, या उसे शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। मतलब अगर स्त्री कोई भी गलती करती है तो उनके पीछे उनकी शिक्षा को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो अगर पुरुष कोई भी गलती करे तो उनके पीछे भी उनकी विद्या या शिक्षा को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तीसरा, उन्होंने क्या व्यंग्य कसा है कि आर्य पुत्र शाबाश बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप क्या है, प्रत्यक्ष मूर्ति है। तो ये कुछ व्यंग्य है जिनके माध्यम से लेखक ने क्या किया है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन किया है। ठीक इसी तरह कुछ और व्यंग्य उन्होंने कहा लेखक ने कि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। इन्होंने क्या किया, कुछ इतिहास में हुई घटनाओं के उदाहरण दिए जहां पर महिलाओं ने अच्छे अच्छे विद्वानों को भी क्या दे दी, मात दे दी। अगला, उन्होंने क्या व्यंग्य कसा है कि जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती सेतुबंध महाकाव्य और कोमल पारचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, यदि वे अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक को इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में क्या लिखता है, अखबार लिखता है। तो इन व्यंग्यों के आधार पर लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों को खंडन किया है अपने व्यंग्य भरी बातों से। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार। दिया गया है कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ या अनपढ़ होने का सबूत है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मैं बताना है कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है, पाठ के आधार पर आप बताइए। तो देखें कि जो पुराने जमाने की स्त्रियां हैं उनके द्वारा प्राकृत में बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा क्या थी, प्राचीन समय में प्राकृत ही थी, जिसे सुशिक्षितों द्वारा बोला जाता था, यानी जो अच्छे लिखे पढ़े लिखे थे उन लोगों के द्वारा प्राकृत भाषा का उपयोग बोलचाल में किया जाता था। जिस तरह आज हिंदी जनसाधारण की भाषा है, यही हिंदी बोलना लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, तो उस समय प्राकृत बोलने वाला अनपढ़ और गवार नहीं हो सकता। जिस तरह आज हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अगर हिंदी को अच्छी तरह से बोल लेता है लिख लेता है तो उसे हम अनपढ़ या शिक्षित नहीं कह सकते, ठीक उसी तरह अगर उस समय में कोई व्यक्ति प्राकृत बोल सकता था या अच्छे तरीके से लिख सकता था
तो उसे अनपढ़ या गवार हम नहीं कह सकते। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण की क्या थी, भाषा थी, सभी लोगों के लिए आम भाषा थी, जैसे आज हिंदी है। तो उस समय की स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अपढ़ या अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। ठीक, यह आपका प्रश्न संख्या 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। दिया गया है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो, तर्क सहित उत्तर दीजिए। कथन क्या कह रहा है कि हमारी जो परंपरा है उन परंपरा में उन्हीं पक्षों या उन्हीं बातों को स्वीकार करना चाहिए जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार हो, जहां पर दोनों के लिए समान चीजें हो। तो आप तर्क देकर आपको इसका उत्तर बताना है कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि परंपराएं मानव जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए होती है। प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में क्या किया है, विभाजित किया है। सृष्टि में दोनों की क्या है, समान भागीदारी है। प्रकृति की ओर से इनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर परिवार और समाज को क्या बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों का प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है। और जहां तक परंपरा का प्रश्न है तो परंपराओं का स्वरूप पहले से अब क्या गया है, बदल गया है। अतः परंपरा के उन्हीं पक्षों को हमें स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को क्या करते हो, बढ़ाते हो, जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को प्रत्येक चीज के लिए समान अधिकार मिलते हो, उन्हीं परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और जो परंपरा इस तरह के नियमों का पालन नहीं करती है या इस तरह की सुविधाएं नहीं देती है, उन परंपराओं का हमें खंडन करना चाहिए। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 6 देखें। तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। लेखक इस अध्याय में जिस समय की बात कर रहा है उस समय की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो देखें, पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आ गया है, सब जानते हैं आप। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को ज्यादातर शिक्षा से क्या रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या है, विद्यालय है। पहले शिक्षा कुछ वर्गों तक ही क्या थी, सीमित थी, यानी जो अमीर लोग थे या जो अच्छे वर्ग थे वो, है ना, उन वर्गों तक ही सीमित थी। जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज किसी भी जाति के साथ या वर्ग के लोग शिक्षा क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री और पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता, जबकि पुराने समय में ये चीजें अंतर पाया जाता था। पहले की शिक्षा में जहां जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वही आज की जो शिक्षा है वहां पर व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। और जो गुरु परंपरा थी वो भी लगभग क्या हो चली है, समाप्त सी हो चली है। तो ये उस समय की शिक्षा परंपरा और आज की शिक्षा परंपरा में मुख्य अंतर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है कैसे, यानी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ये जो निबंध है, ये दूरगामी यानी दूर की सोच और खुली सोच का क्या है, परिचायक, यानी खुली सोच वाले व्यक्ति के बारे में वो क्या करता है, बातें बताता है कि जो लेखक थे वो दूरगामी यानी दूर के सोचने वाले और खुली सोच वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, है ना, खुली सोच वाले व्यक्ति थे, कैसे ये आपको बताना है। तो देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी पुस्तकों का खंडन में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अपने विचार क्या किए हैं, प्रकट किए हैं। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर क्या था, प्रतिबंध। और इस निबंध में लेखक ने, द्विवेदी जी ने, स्त्रियों के भी पढ़ने लिखने का जोरदार क्या किया है, समर्थन किया है। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के सभी पुस्तकों का उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में क्या किया है, खंडन किया है। जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे उनकी बातों का उन्होंने बहुत जोर से क्या किया है, बहुत ही जोर शोर से कड़े शब्दों में उनका खंडन किया है। उन्होंने पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की मिथ्या धारणा का सप्रमाण गलत सिद्ध किया है। यानी जो लोग कहते थे कि पुराने समय में शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध था, तो इन बातों का उन्होंने कई सारे इतिहास के प्रमाण जो स्त्री शिक्षा को दर्शाते हैं उन प्रमाणों के आधार पर उन तथ्यों को क्या किया है, गलत सिद्ध किया है। स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने के कुतर्क को भी उन्होंने अनुचित और क्या प्रमाणित किया है, गलत प्रमाणित किया है। साथ ही यह विचार प्रकट किया है कि स्त्री शिक्षा के उपरांत ही समाज की क्या है, उन्नति संभव है। स्त्री शिक्षा के बिना कभी भी समाज विकसित नहीं हो सकता। स्त्री को भी पुरुष के समान ही समान अधिकार दिए जाने की बात को उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी ने इस निबंध में अपनी दूरगामी और खुली सोच का क्या दिया है,
बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से परिचय दिया है। ठीक, आगे आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। देखें, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक निबंध, एक अनुच्छेद लिखिए कि लेखक की भाषा शैली कैसी है, इनकी भाषा शैली की विशेषता क्या है, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो देखें, द्विवेदी जी ने अपने निबंध में विषय अनुरूप गंभीर, सरस और प्रवाहमयी भाषा का क्या किया है, प्रयोग किया है। विचारपूर्ण निबंध होने के कारण इनमें उदाहरण, व्यंग्य और सामसिक शैली का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। इन्होंने व्याकरण और वर्तनी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया है। इन्होंने अपने निबंध में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज, तद्भव, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। तो ये उनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हो। यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें ऐसे वाक्यों में उपयोग करना है जहां पर उनके एक से अधिक अर्थ क्या हो, स्पष्ट होते हो या एक से अधिक अर्थ निकलते हो। पहला शब्द है चाल। तो राधा को पुरस्कार देना उनकी क्या है, चाल है। तो यहाँ पर चाल का मतलब किससे है, चालाकी से। फिर दूसरा उदाहरण, अपनी चाल को तेज करो। तो यहाँ पर चाल का मतलब किससे है, चलना से, स्पीड से। ठीक, दूसरा शब्द है दल। तो पहला उदाहरण, उस दल का नेता बहुत अच्छे स्वभाव वाला है। तो यहाँ पर दल का मतलब किससे है, टोली से। दूसरा, कुल का दल बहुत कोमल है। यहाँ पर दल का मतलब किससे है, पंखुड़ियों से। ठीक, आगे बात करें, अगला शब्द है, वो है पत्र। मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी या पत्र लिखा। तो यहाँ पर पत्र किससे संबंधित है, पत्र या चिट्ठी से संबंधित है। फिर अगला उदाहरण, पहले भोज पत्र पर लिखा जाता था। तो भोज पत्र का मतलब यहाँ किससे है, यहाँ पर पत्ती से है। अगला शब्द है हरा। पत्तों का रंग क्या होता है, हरा। हरा क्या है, यहाँ पर रंग है। दूसरा उदाहरण, इतनी गर्मी होने के बाद भी तालाब का पानी अभी भी क्या है, हरा भरा है। हरा भरा का मतलब यहाँ किससे है, तरोताजा से है। अगला शब्द है पर। तुमने उस पक्षी के पर क्यों काट दिए। तो यहाँ पर का मतलब किससे है, पंख से। अगला वाक्य, तुम उसे नहीं जानते पर मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तो पर का मतलब यहाँ किससे है, लेकिन से। ठीक, तो ये कुछ क्या है, शब्द है जिनकी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द वाले शब्द हैं। अगला, फल। इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं। तो यहाँ पर फल किसकी बात हो रही है, खाने वाले फल की। फिर उसके कार्य का फल बहुत बुरा था। तो यहाँ पर फल का मतलब किससे है, उसके परिणाम से, रिजल्ट से। अगला शब्द है कुल। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। इसमें कुल का मतलब किससे है, कुल का मतलब यहाँ पर वंश से है, किससे है, वंश से। फिर हमारे देश की कुल आबादी कितनी होगी। तो यहाँ पर कुल का मतलब किससे है, पूरा या टोटल से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न संख्या। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 15 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।